गाइस ये देखिए, मैंने इस टाइम अपने लिए फूड ऑर्डर किया है फ्रॉम पेपेज, और मोहम्मद आदम भी अभी उठे हुए थे तो फिर मैंने उनके लिए भी ऑर्डर किया है। और ये साथ ड्रिंक है पेप्सी, और पेप्सी में ऑलवेज डाइट कोक या डाइट पेप्सी ही लेती हूँ। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। ये मैंने जस्ट ईट से ऑर्डर किया है। आप उबर या जस्ट ईट से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं और वो लाइक हाफ एन आवर 20 मिनट्स तक आपके घर तक पहुंच जाती है चीज़। ओके गाइस, ये बर्गर है और ये हैं आई थिंक दीज आर विंग्स। मैंने मोहम्मद आदम के लिए विंग्स ऑर्डर किए थे, ये विंग्स हैं। और ये है पाई पाई फ्राइज हैं, इस तरह से इनके ऊपर मसाला लगा होता है। और ये वाले सिंपल फ्राइज हैं जो कि मैंने मोहम्मद आदम के लिए ऑर्डर किए हैं, बिकॉज ही डोंट लाइक पाई पाई मसाला। और साथ ये सॉस है और इसको अभी हम इंजॉय करेंगे। गाइस आज मेरे हस्बैंड जो हैं वो पराठे बना रहे हैं, और इनके पराठे बहुत ज़्यादा इनके भी मज़े के होते हैं। मेरे तो अच्छे होते ही होते हैं, लेकिन इनको भी पराठे बहुत अच्छे बनाने आते हैं। तो आज ये कह रहे थे कि मैं बनाता हूँ और तुम रेस्ट करो। तो आप कितने खाएंगे? अच्छा, तो मेरे लिए एक ही बनाना है आपने। और गाइस इसके साथ मैं करूँगी 1 egg fry और ये हो जाएगी हमारी सर्विंग। हे गाइस, अभी हम बस घर से निकले हैं बिकॉज हम ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं बच्चों के लिए। मुझे मेरे बेटों के लिए यू नो आउटफिट्स चाहिए, लाइक शलवार कमीज। एंड आप देख सकते हैं कि इतनी सर्दी नहीं है बट हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। और उसके साथ ये कि आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट टुडे, ये वूल का है और इस तरह करके नीचे ट्रेनर्स डाले हुए हैं, और ऊपर मैंने जैकेट नहीं ली है बिकॉज मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगी। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रीन स्ट्रीट, टुडे वी गोना गो ग्रीन स्ट्रीट। और वहाँ पर बहुत से एशियन कपड़े आपको मिलते हैं, और आपको वहाँ पे बहुत सी रेस्टोरेंट्स भी हैं और एशियन क्लोथ्स की शॉप्स हैं वहाँ पर। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे इल्फिड लेन और ग्रीन स्ट्रीट जो है, ये दोनों सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं एशियन क्लोथ्स लेने के लिए। जैसे कि अपने बेटों के लिए मैंने शलवार कमीज लेने हैं बिकॉज ईद पे ज़्यादा शलवार कमीज ही अच्छे लगते हैं। और मैंने अपने लिए तो नहीं लेने फ़िलहाल, बट अगर मुझे कुछ पसंद आ गया तो शायद मैं ले ही लूँगी। और मीरप के लिए भी मैंने कुछ देखना है, कुछ अच्छा सा अगर मिल जाए, नहीं तो मीरप के भी अंदर हैं कपड़े जो अभी इन्होंने नहीं पहने हुए हैं। गाइस ये ग्रीन स्ट्रीट अभी शुरू हो गई है, हम आ गए हैं ग्रीन स्ट्रीट और यहाँ से शॉप स्टार्ट हो गई हैं ये सब। और ये देखें वो जो है बिरयानी, इस तरह से बिरयानी बहुत ज़्यादा लोग सेल करने लगे हैं शॉप्स में। एंड £2.50 या £3 अ प्लेट की सेल करते हैं लोग। और पहले इस तरह की एक शॉप इल्फिड लेन पर खुली थी, और अभी तो बहुत सी ऐसी शॉप्स हो गई हैं। और बिरयानी इनकी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है जो इस तरह से आपको मिलती है ना, इस तरह से। गाइस बिरयानी की बात मैं कर रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ गया है बिकॉज मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और अभी हुए हैं 4 o'clock और रोज़ा खुलेगा 7:30 or 7:45 पर खुलेगा। और बस मैं देखूंगी कि आई नीड टू बाय शलवार कमीज फॉर माय बॉयज़, और वली बाबा की ये दूसरी ईद है। गाइस अभी आप देख सकते हैं दिस इज़ ग्रीन स्ट्रीट एंड इट्स सो मच, यह शो वी चेक दिस वन। बहुत ज़्यादा बिजी है गाइस ग्रीन स्ट्रीट बिकॉज लोग ईद की शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। और मैं भी अपने लिए कोई कपड़े देख रही हूँ, वैसे मेरे पास अंदर भी काफ़ी पड़े हुए हैं, बट स्टिल यू नो दिल कर आता है कपड़े लेना। किसको नहीं पसंद, किसको नहीं पसंद। मैं बहुत टाइम के बाद ग्रीन स्ट्रीट आई हूँ गाइस, लाइक बहुत टाइम के बाद। गाइस अभी हम बच्चों के लिए देख रहे हैं कुछ लेने के लिए,
आई एम लुकिंग फॉर शलवार कमीज कुर्ते बॉयज़ के, और अपने लिए भी मुझे अभी एक दो ड्रेसेस हैं जो पसंद आए हैं, वो हम पीछे शॉप्स छोड़ रहे हैं, लेकिन मैंने बोला कि पहले मैं बच्चों के देखती हूँ, उसके बाद फिर मैं वापस उन शॉप्स पर जाऊँगी दोबारा। और आज मैं जो भी लूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट जो ड्रेस मैं लूँगी जो मैं ईद पर पहनूँगी वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊँगी, वो मैं आपको ईद वाले दिन ही दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया क्या। गाइस अभी हम आए हैं बच्चों के लिए कपड़े देख रहे हैं, और मुझे ये भी स्टाइल काफ़ी पसंद आया है, लाइक ये वाला देख सकते हैं, इसके ऊपर सीक्वेंस भी लगे हुए हैं और इस तरह के। मैं पहले तो सोच रही थी इनके लिए सेम कलर लूँगी, बट नाउ आई माइट बाय डिफरेंट कलर्स फॉर देम, लाइक सेम चीज़ होगी, सेम डिज़ाइन होगा लेकिन कलर डिफरेंट होंगे। और ये देखें ये भी बड़ा नाइस है, सुभान प्लीज गो विद इट। गाइस बच्चों के कपड़े ले लिए हैं, और अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो चंडीगढ़ में गए हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, सो बच्चों के और हस्बैंड के सेम हम ले मैं ले रही हूँ, और बिकॉज ईद पे बच्चों को शलवार कमीज ही अच्छे लगते हैं, और भी इतना बच्चों ने तंग किया हुआ है बिकॉज सब बच्चे साथ हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। गाइस अभी बस पे कर रहे हैं, ले लिए हैं कपड़े बच्चों के, और मैंने अपने यहाँ से नहीं लिए बिकॉज दीज आर ऑल इंडियन क्लोथ्स, और ये मैंने बहुत पहने हैं और ये बहुत ज़्यादा हैवी हैं। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइट नॉट टू हैवी। अभी ये ले लिए हैं बच्चों के, हस्बैंड के भी ले लिए हैं, अभी इस काम पे करेंगे और फिर हम देखेंगे मीरप के लिए कोई ड्रेस देखना है और अपने लिए भी देखना है। अच्छा गाइस मैं अपने लिए अभी देख रही हूँ कपड़े, पता नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहे, उधर पीछे दो शॉप्स थी जहाँ पे मुझे दो पसंद आए थे, और ये वाले काफ़ी नाइस ये भी लगे हुए हैं, दिस कलर इज़ नाइस, ग्रे कलर का है, फिर ये ब्राउन कलर का है, एंड ये इनकी प्राइस है। पता नहीं कुछ जल्दी जल्दी पसंद भी नहीं आता, ये भी मुसीबत होती है। ओके गाइस यहाँ पर काफ़ी नाइस ड्रेसेस लगे हुए हैं और इसमें कलर्स बहुत नाइस हैं, तो मुझे तो देखते ही ये वाला कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया, यू नो दिस येलो वन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि थोड़ा डार्क कलर लो बिकॉज ईद पर यू नो शॉकिंग कलर अच्छे लगते हैं, जैसे रेड हो गया, जैसे ब्लैक हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, तो अभी मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ कि कौन सा कलर। वैसे मुझे ये वाला कलर भी बहुत अच्छा लगता है, दिस वन शॉकिंग पिंक कलर बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस शॉप पर काफ़ी नाइस कपड़े लगे हैं और सेल भी लगी हुई है इनकी, लाइक इनकी प्राइस ये है, प्राइस इनकी पहले ज़्यादा थी अभी ये है। ओके गाइस कपड़े ले लिए हैं, अभी मैं शूज़ देख रही हूँ अपने लिए, सैंडल्स देख रही हूँ, सो जो मेरे कपड़े हैं उनके ऊपर गोल्ड कलर की एम्ब्रॉयडरी है, सो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग गोल्ड, और ये है उनजी शॉप है जो कि क्वाइट फेमस है, सैंडल्स की शॉप है उनजी, उनजी लंदन। लुकिंग नाइस सैंडल कोई मिल जाए। ओके गाइस अभी ये कुछ सैंडल्स हैं जो मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरा प्लीज यू गो, तो ये बच्चे भी साथ हैं, ये उठा लो, ये No, I don't need black. Subhan, please you go outside. Guys, Meerab is getting her mehndi done because मैंने Meerab को बोला था हम चांदात पे जाएंगी दोनों लगवाएंगी, but Meerab अभी से लगवा रही हैं, इनको बहुत ज़्यादा शौक है मेहंदी लगाने का, चूड़ियाँ पहनने का, और यहाँ पर बस ये शॉपिंग हमारी डन हो गई है। Meerab का भी ड्रेस मैंने ले लिया है और अपने भी ड्रेसेस ले लिए हैं, बट मैं आपको ईद वाले दिन दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया और क्या कौन सा जोड़ा लिया है, वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी गाइस। ये देखें आज ही लोग इतनी ज़्यादा मेहंदी लगा रहे हैं गाइस, ये मेरे अपने मेहंदी लगवाई थी, और ये देखें इतना प्यारा डिज़ाइन बना है, और यहाँ पर भी ये मेहंदी लगवा रही हैं, और मेरा भी दिल किया मैं अभी लगवा लूँ, बट देन फिर अभी इफ्तारी भी करनी है, यू नो कुछ खाना पीना भी है, उसके बाद फिर ये शॉपिंग वगैरह सब जाके घर पे रखनी है,
और आज मैं रेडी नहीं थी कि मैंने मेहंदी लगवानी है, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन इसलिए मैं अभी नहीं लगवा रही हूँ। तो लगवाऊंगी मैं चांद रात पे, इंशाल्लाह प्लान है मेरा। गाइस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, निकले हैं, और अभी रोज़ा इफ्तारी टाइम भी बिल्कुल होने वाला है, लाइक 20 मिनट्स लेफ्ट। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाएँ। और लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था हैबर ग्रिल ऑन रमफर्ड रोड, वो बहुत ज़्यादा फुली पैक था वो, और अभी फिर वही टाइम आ गया है बिल्कुल इफ्तारी के पास पास, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स बुकड होते हैं, फुली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए फिर अभी हम, मैं उनको फ़ोन भी कर रही हूँ लेकिन वो सुबह से फ़ोन ही नहीं उठा रहे, बिकॉज आई वॉन्ट टू बुक द टेबल। गाइस अभी मेरे हस्बैंड गए हैं अंदर, दिस वन हैबर ग्रिल, और यहाँ पर गए हैं पूछने के लिए कि इनके पास जगह है या नहीं, बिकॉज इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो मैं सुबह से इनको फ़ोन भी कर रही थी इनके नंबर पर, लेकिन ये उठाते ही नहीं है, सो मे बी द नंबर इज़ चेंज्ड और समथिंग। और अभी हम फिर देखते हैं, अगर ये फुली बुक्ड हुआ तो फिर हमें कहीं ना कहीं तो रोज़ा खोलना ही है, क्योंकि अभी घर पर भी नहीं जा के खोल सकते, और हम सुबह से आज निकले हुए हैं शॉपिंग के लिए ही, और शॉपिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, और वो मैं आपके साथ ईद वाले दिन ही शेयर करूंगी कि मैंने कौन से जोड़े लिए थे। गाइस वहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी उस रेस्टोरेंट में हैबर ग्रिल में, तो अभी हम इल्फर्ड लेन पर आ गए हैं, और इल्फर्ड लेन पर अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ से बैठकर खाना खाया जाए, बिकॉज इफ्तारी टाइम इज नीली देखे भी होने ही वाला है। और यहाँ पर भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इस टाइम अभी इस टाइम बहुत बिजी होंगे। और ये देखें मैंगो भी आ गए हैं, अभी आई डोंट थिंक अच्छे वाले मैंगोज़ आए हैं, लेकिन लोगों ने रखे हुए हैं मैंगोज़ भी। गाइस इल्फर्ड लेन पर भी कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था जहाँ पर जगह होती, तो हम अभी आ गए हैं सेवन किंग्स, और अभी हम जा रहे हैं सेवन किंग्स। यहाँ पर दो तीन रेस्टोरेंट्स हैं वो देखेंगे, और अगर उधर भी जगह हुई तो फिर हम कुछ टेक अवे लेकर घर चले जाएंगे। बस यहाँ पर यही हाल है गाइस, रमज़ान में इफ्तारी टाइम रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, और जब रोज़े ख़त्म होने वाले होते हैं, जब आखिरी रोज़े रह जाते हैं, तब तो बहुत ही ज़्यादा पैक्ड हो जाते हैं रेस्टोरेंट्स, बिकॉज लोग घर पर आई थिंक इफ्तारी करते ही नहीं है, सब लोग बाहर आके इफ्तारी करते हैं। गाइस सब रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी थे सेवन किंग्स में भी, सो दिस इज़ महक रेस्टोरेंट, यहाँ पर मैं आपके साथ एक बार पहले भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, यहाँ पर हम आ गए हैं। इनका फूड भी बहुत मज़े का होता है, दे ऑल्सो डू चाइनीज़, थैंक यू दे डू चाइनीज़। एंड ये है मेरा समोसा, मगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है गाइस, मैंने सिर्फ अभी पानी पी के अपना रोज़ा खोला है, और ये हमने फूड ऑर्डर किया है, फिर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके इज़ गोना गिव यू सिट डाउन। Guys, I ordered this egg fried rice with sweet and sour chicken. This is veg samosa. Guys, oh my god, dash करने लगा मैं इसको देखा। And haleem. अभी हम नान का वेट कर रहे हैं बस। Guys, इनका भी खाना बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, इनका Chinese food बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, और बस अभी ये खाएँगे, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है guys. गाइस अभी बस इफ्तारी की है, और मुश्किल से हमें इस रेस्टोरेंट में जगह मिली, बिकॉज सब रेस्टोरेंट बुक है। नाउ वी गोना गो होम, शॉपिंग भी हो गई है, खाना खा लिया है, घर जाएंगे।